नमस्कार, आप सभी को छायांश दीप के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। स्क्रीन पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर दिख रही है, जिसकी हेडिंग है, प्रदेश में होगी नई भर्ती, 20,000 संविदा शिक्षक कर्मचारी होंगे नियमित। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जारी कर दिया है किन पदों पर भर्ती होगी और कितने पदों पर भर्ती होगी, पूरा बांट दिया है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इस खबर को भी डिकोड करेंगे कि इस खबर में क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर आप देखेंगे, पटवारी को लेकर मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। पटवारी में जो पटवारी की भर्ती है वो दो सिनेरियो में निकलेगी, एक तो पंचायत विभाग 220 पद और एक है राजस्व विभाग 968 पद। तो इनको मिलाकर ही अब पटवारी की भर्ती होगी। तो संभवतः ये भी हो सकता है कि कुछ मतलब 2220 पद पटवारी के हो जाएं और 998 पद जो हो रहे हैं या 998 पटवारी के पद हो जाए, तो देखना होगा किस तरह से वैकेंसी निकलती है। समझते हैं किन विभागों में कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो सबसे ज़्यादा जो है विभाग वो है स्कूली शिक्षा विभाग, जिसमें 9568 के आसपास जो है वैकेंसी आ रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 14,313, जनजाति विभाग में 7,780, वन विभाग में 2,229, पशुपालन विभाग में 1,794, पंचायत विभाग में 2,220, जेल विभाग में 575, महिला बाल विकास में 588, लोक निर्माण विभाग में 750 और राजस्व विभाग में 968, वित्त विभाग में 111, श्रम विभाग में 762 पद आ सकते हैं तथा आयुष विभाग में 1,290 पद और वाणिज्य विभाग में 1,311 पद। तो कुल अगर आप इनका कुल टोटल करेंगे तो ये टोटल होगा 101,958 भर्ती, जिसमें से 20 से 25% जो है वो अकेले ही शिक्षक भर्ती होगी। इसके अलावा इस खबर में अगर हम देखें तो इसमें खबर में है प्रदेश में होगी नई भर्तियां, सभी विभागों में रिक्त पद भरे जाएंगे। इसमें पूरी डिटेल है कि जो पद की व्यवस्था है वो किस तरह से है। ओके, तो तैयारी चालू करते हैं, खासतौर से पटवारी की। पटवारी के लिए हम पंचायती राज्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया बैच लाने वाले हैं, उनको ज़रूर आप पढ़ें क्योंकि 10 बजे से वो बैच होगा। उसकी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर ज़रूर याद रखें 8812020309। आप डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर ले लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे।